सोचा था कि हम 80,000 पेपर बैग बनाकर इंदौर शहर, जो कि ऑलरेडी स्वच्छता में नंबर वन है, उसमें यह मैसेज स्प्रेड करेंगे कि जितने भी हमारे सब्ज़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, दवा बाज़ार में इतनी शॉप्स हैं, सब लोग पॉलीथिन यूज़ करते हैं, पर हम चाहते हैं कि वे लोग पेपर बैग यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पोल्यूशन नहीं करते हैं, वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। इंदौर, जो कि हम चाहते हैं कि इंदौर चौथी बार वापस से चौका लगाए और इंदौर स्वच्छता में नंबर वन आए। हमारे जो रद्दी पेपर होते हैं उनसे, या फिर कुछ शीट्स होती है जिसमें जिसका कुछ काम नहीं होता है, उनसे पेपर बैग बनाए। कई बच्चों ने इसे डेकोरेट भी किया है ताकि वो प्रेजेंटेबल रहे। Actually, some social change in our state, especially in Indore city. So we took this initiative to make awareness in the minds of the students. So they came up with much enthusiasm, and even the teachers. So they made 80,000 paper bags that will be distributed in the various parts of our city today by our students and also the teachers. So they will go to different cities of our Indore, parts of the cities of our Indore, and they will be distributed and they will create awareness among the students, among the people. आज से 4 साल पहले लगभग जो हमने स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था भारत शासन के निर्देश के अनुरूप, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डिसाइड किया था कि हम क्रमशः किस किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं स्वच्छता की ओर। उसी दिशा में एक अनूठा कदम इस बार शासन के निर्देशों के अनुरूप आया है कि हम किस प्रकार से जो प्लास्टिक्स होती हैं, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, सिंगल यूज़ जो है हमारे पे डिस्पोजल्स आइटम होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, उनको हम किस प्रकार से हमारे बीच में से हटा सकते हैं। इसी के तारतम्य में एक अनूठा प्रयास सभी जगह किया जा रहा है, इसमें इंदौर नगर निगम द्वारा यहाँ पर स्कूल्स में एक अवेयरनेस कैंपेन हम लोगों ने चलाया है। चूँकि बच्चे एक प्राथमिक सीढ़ी होती ये परिवार की, जिसकी बात सब लोग मानते हैं, उसके मोहल्ले में मानते हैं, उनके दोस्तों मानते हैं, तो अवेयरनेस को हमको लाने के लिए, हमको चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें स्कूल्स में बच्चों की आवश्यकता होती है। इसी तारतम्य हमने ये प्रयास किया है कि सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं अपने घर पर जाएँ, संदेश दें कि घर में किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक ना रहे। दरवाजों के पीछे होता है, सोफे के नीचे होता है, आप देखें तो कभी बाहर निकलते हैं तो उसके शूज़ वगैरह के बैग्स में होता है, ये सारी चीज़ें ना हो, उनको एक प्रोत्साहित करें, वहाँ से प्लास्टिक निकालें, अपने घर को प्लास्टिक फ्री घोषित करें और अपने साथ में परिवार और दूसरे मित्रों को भी ये प्रोत्साहित करें कि वो प्लास्टिक फ्री करने में घोषित करें। ये है कि यहाँ पे जो बच्चे और जितना यूथ है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन हुआ है। आज आप इंदौर को जो प्लास्टिक मुक्त करने का और प्लास्टिक को यहाँ पर ख़त्म करने के अभियान के लिए, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक को हम लोग सिस्टम में से बाहर करना चाहते हैं, उस अभियान में सभी बच्चों को, सभी स्कूलों को जोड़ा गया है, नागरिकों को जोड़ा गया है, मार्केट एसोसिएशन को जोड़ा गया है, और 11 सितंबर से लगातार यहाँ पर इंदौर में इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी तक करीब 35 से 40 टन प्लास्टिक इकट्ठी की जा चुकी है, साथ ही कई सारे स्कूल के बच्चों ने मिलकर लगभग 2 लाख
कागज़ के और कपड़े के बैग्स बनाए हैं जो वो वॉलंटरीली लोगों को सभी को शहर में जाके मार्केट्स में दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।